तो स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। आज का ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से हम दो चीज बताने वाले हैं आपको। पहली चीज तो ये कि बैक पेपर में आपको पास कैसे होना है, और दूसरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो बैक पेपर में आप लोग को बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। हमें उम्मीद है कि जो क्वेश्चन हम बताएंगे उन क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिएगा। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के प्लेलिस्ट में देखेंगे तो वो सारे क्वेश्चन हमारे चैनल पे भी मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन जैसे कि आपको पता है कि हाल ही में सेकंड सेमेस्टर की एग्जामिनेशन हुई है, जिसकी वजह से तमाम सारे वीडियोस आपको सेकंड सेमेस्टर के ही दिख रहे होंगे। लेकिन अगर आप प्लेलिस्ट में सर्च करोगे तो आपको आराम से फर्स्ट सेमेस्टर की सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, क्योंकि सारी चीजें आपकी प्लेलिस्ट में बिल्कुल सेव हो चुकी है, प्लेलिस्ट में बिल्कुल हमने सेव कर दिया है। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैं बताना चाहता हूं, तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया गया है, या फिर आप टेलीग्राम में पांडे जी टेक्निकल 2.0 डायरेक्टली सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं आपके बैक पेपर की। तो हमें लगता है जहां तक काफी सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो तमाम सारे क्वेश्चंस को, तमाम सारे कॉन्सेप्ट को भूल गए होंगे, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर का भी आपने देखा है कि हाल में ही एग्जामिनेशन हुए हैं सेकंड सेमेस्टर के, तो फर्स्ट सेमेस्टर की बहुत सारी चीजें आपकी याद नहीं होंगी, है ना। तो इसलिए जरूरत पड़ता है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, ताकि आप उन लिमिटेड चीजों को पढ़ें, जिन लिमिटेड चीजों को पढ़ करके आप पास हो सकते हैं। ठीक है, नंबर लाने का कोई बहुत ज्यादा उद्देश्य नहीं रहता है बैक पेपर में। हाँ, बस इतना आपको कोशिश करना है कि एटलीस्ट जो है आप एक ही बार में अपने बैक पेपर को पास कर ले। कई सारे लोग हमसे टेक्निक पूछते हैं कि सर पेपर का पैटर्न क्या होता है, ऐसी वैसी चीजें। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जैसे आपने ओरिजिनल पेपर सेकंड सेमेस्टर का दिया है, या फिर आपने जो ओरिजिनल पेपर आपने फर्स्ट सेमेस्टर का दिया था, आपके पास सारे पेपर होंगे मुझे जहां तक उम्मीद है, तो वो जो आपका पैटर्न था बिल्कुल सेम पैटर्न आपका बैक पेपर का रहता है। कई लोग पूछते हैं कि सर क्या क्वेश्चन आसान पूछे जाते हैं, तो हमारा जवाब है नो, क्वेश्चन बिल्कुल भी आसान नहीं पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चंस आपके फर्स्ट सेमेस्टर में नॉर्मल पूछे जाते थे, वैसे ही सेकंड फर्स्ट सेमेस्टर के बैक पेपर में भी आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तरीका आपका ये है कि जितने सब्जेक्ट में आपका बैक लगा है उतने सब्जेक्ट की मान लीजिए कि आप टोटल तैयारी नहीं भी कर पा रहे होंगे, तो अभी सेकंड सेमेस्टर की एग्जामिनेशन खत्म हो चुकी है, तो फर्स्ट सेमेस्टर की एटलीस्ट मैं जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूं, अगर उन सभी क्वेश्चंस को अगर आपने तैयार कर लिया तो 100% जो है आप पास हो जाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बता रखा है ऑलरेडी, अलग से बैक पेपर वालों के लिए स्पेशली बताया है, और आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बता दूंगा। सारे लोग चाहे क्वेश्चंस को आए या ना आए, ऑल अटेम्प्ट करके आएंगे, सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट करके आएंगे, क्योंकि अगर आप सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट करके आते हैं तो आपके पास होने का चांस बढ़ जाता है। ठीक है, तो आपको सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आना है और स्टेप वाइज आंसर को लिखना है। अगर आप स्टेप वाइज आंसर को लिखेंगे तो इसका फायदा ये होगा कि मान लीजिए कि एक दो क्वेश्चन या फिर आपका क्वेश्चन अगर अंतिम में आंसर नहीं आ पा रहा है, लास्ट स्टेप में आपका क्वेश्चन अगर गलत भी हो जा रहा है, तो स्टेप में आपके मार्किंग मिल जाएगी, जिससे आपके बैक पेपर में पास होने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती है। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं हम उसके बाद आपके पास क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये आप देख रहे होंगे आपके पास कुछ क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं, इनका पीडीएफ भी मैं ऑलरेडी अवेलेबल आपको करा दूंगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि 100% पूछे जाते हैं। जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से एक आपका पूछा जाता है कि टेन इनवर्स वन प्लस टेन इनवर्स वन बाई टू प्लस टेन इनवर्स वन बाई थ्री इज इक्वल टू पाई बाई टू सिद्ध करने के लिए, मतलब टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला जो है ये यूज करने के लिए जरूर आएगा आपके पेपर में। एक क्वेश्चन पांच नंबर का, पांच नंबर से कम में ये चीजें पूछी नहीं जाती हैं। एक लिमिट का क्वेश्चन आपने दे रखा है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर का मान आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि sin x का प्रथम सिद्धांत की सहायता से आपको अवकलन ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए प्रथम सिद्धांत वाला एक आपका पूछा जाएगा, चाहे आपका साइन एक्स का पूछा जाए या फिर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन पूछा जाए प्रथम सिद्धांत की सहायता से। ठीक है ना, अब कई लोग इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन लिख लें तो आंसर गलत हो जाएगा, आपको प्रथम सिद्धांत की सहायता से लगाना है। पांच नंबर का क्वेश्चन है, एक्स इज इक्वल टू अगर आपके पास आर कॉस थीटा दे रखा है, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा दे रखा है, और आर इज इक्वल टू ए वन प्लस कॉस थीटा अगर आपके पास दे रखा है, तो डीवाई बाई डीएक्स की वैल्यू कितनी होती है ये आपको बतानी है कि dy by dx का मान कितना होगा, dy by dx इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है,
अगला आपके पास दे रखा है क्वेश्चन कि यदि मान लीजिए कि y इज इक्वल टू ई टेन इनवर्स ए टू द पावर एम साइन इनवर्स एक्स है, तो आपको इतनी चीजें सिद्ध करनी है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीवाई वाई टू माइनस एक्स वाई वन इज इक्वल टू एम वाई स्क्वायर। ये सिद्ध वाला प्रश्न है, 5 नंबर का पूछा जाता है। स्पर्शी का समीकरण आपको देख लेना है और अभिलंब का समीकरण, बस फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। क्वेश्चन इससे बहुत ही ज्यादा सरल पूछे जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि बिंदु 3.8 से परवल वाई स्क्वायर +12x = 0 पर खींची गई स्पर्शी का समीकरण आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना। 7 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, इसमें प्रूव करना है आपको कि मान लीजिए कि fx = sin x + cos x है, तो इसका उच्चिष्ट मान जो होगा √2 होगा। जैसे कि आपको पता है कि एक क्वेश्चन आपका उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान के लिए भी पूछा जाता है, उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान से भी आपका एक पूछा जाता है। त्रिभुज के भुजाओं तथा कोणों में संबंध से अगर हम बात करें तो ट्रायंगल एबीसी में अगर आपके पास a = 4 b = 8 और एंगल c = अगर आपके पास 60 डिग्री दे रखा है, तो आपको जो है साइड सी का मान ज्ञात करना है कि भुजा सी आपका कितना होगा। डिमायर के प्रमेय को भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन 5 नंबर का 100% फिक्स रहता है, एक आपका स्पर्शी के समीकरण से फिक्स रहता है, एक आपका उच्चिष्ट निम्निष्ट से या फिर प्रूफ करने वाले से फिक्स रहता है। मापांक तथा कोणांक ज्ञात करना बहुत सरल होता है, 2 नंबर के क्वेश्चन इससे बिल्कुल ही पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अगले में आप आएंगे तो आपका किस पी के किस मान के लिए आपके पास वेक्टर ए की वैल्यू वेक्टर बी की वैल्यू दे रखी है, ये समांतर है, इसी में आपका क्रेमर का नियम भी आता है। अगर आपने एटलीस्ट इतना सॉल्व कर लिया तब जाकर के अगर आपके पास समय मिलता है तो एपी पे ध्यान दीजिएगा, वरना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता है। वैसे 1 या 2 नंबर के अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं तो ये जो आपका चैप्टर है ये बहुत ही ज्यादा ईजी होता है। आप इस चैप्टर को विद इन 20 मिनट के अंदर आप आराम से रिवाइज कर सकते हैं पूरा एपी वाले चैप्टर को। लेकिन सवाल ये कि पूछा ही नहीं जाता है क्वेश्चन, 1-2 नंबर का पूछा जाता है, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता। आपको इस क्वेश्चंस का पीडीएफ ले लेना है और इन पीडीएफ्स की हेल्प से आपको सभी क्वेश्चंस अपने कॉपी में सॉल्व करना है। मान लीजिए अगर आपको नहीं आता है तो आप प्लेलिस्ट की सहायता से भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी ऑलरेडी, टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, YouTube चैनल पे मिल जाएगी प्लेलिस्ट। मुझे उम्मीद है कि आपको देखना आता होगा, फर्स्ट सेमेस्टर में सारी चीजें पढ़ाई गई हैं तो वहां से भी आप प्लेलिस्ट को ऑलरेडी कवर कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद। लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए।